हेलो फ्रेंड, कैसे हूँ? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो एक और इंटरेस्टिंग कंपैरिजन वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। अलग अलग ब्रांड के दो पॉपुलर स्मार्टफोन, एक तरफ मोटो का H40 और दूसरी तरफ आईक्यू का Neo 7 5G, इन दोनों स्मार्टफोन के अगर प्राइस की बात करी जाए तो मोटो के H40 को 29,999 रुपये के प्राइस में 8GB की रैम और 256GB स्टोरेज वाले वेरियंट को बाय कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ आईक्यू के Neo 7 5G को 27,999 रुपये के प्राइस में 8GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरियंट को कर सकते हैं। दोनों स्मार्टफोन में 2000 रुपीज का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी 30,000 रुपीज से कम के प्राइस में नया ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो तो आज के इस कंपैरिजन वीडियो को आप लोगों को पूरा जरूर देख के जाना चाहिए। तो बिना देरी करे चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोनों स्मार्टफोन का अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो मोटो के H40 में मीडियाटेक का डायमेंसिटी 8020 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ आईक्यू के Neo 7 5G मीडियाटेक का डायमेंसिटी 8200 का बेस्ट इन क्लास वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो इन दोनों स्मार्टफोन में से आप लोगों को आईक्यू के Neo 7 5G में काफी बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। वही इन दोनों स्मार्टफोन का अगर अंतिम स्कोर की बात करी जाए तो उसमें भी क्लियर विनर निकल के आता है आईक्यू का Neo 7 5G, क्योंकि आईक्यू के Neo 7 5G का जो अंतिम स्कोर निकल तो 8,59,000 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ मोटो के H40 का जो अंतिम स्कोर निकल के आता है 6,75,000 निकल के आता है। अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खासकर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच रहे हो तो इन दोनों स्मार्टफोन के GFX स्कोर यानी गेमिंग स्कोर को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब इन दोनों स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया तो आईक्यू के Neo 7 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है 6,900 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ मोटो के H40 का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है 4,900 निकल के आता है। तो अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खासकर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच रहे हो तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं कि आप लोग 2000 रुपीस कम खर्च करके आईक्यू का Neo 7 5G को ही बाय करें। दोनों स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करें तो आईक्यू का Neo 7 5G 6.78 इंच की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले आप लोगों को फ्लैट देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले में HDR10 का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ मोटो के H40 में 6.55 इंच की फुल HD प्लस PEOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। पर डिस्प्ले आप लोगों को कर्व देखने को मिल जाती है जो कि मोटो के H40 का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि 30,000 रुपए से कम के प्राइस में काफी स्टाइलिश डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 144Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले में HDR10 का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। स्मार्टफोन का अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए तो मोटो के H40 में कम मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। फिर भी ये स्मार्टफोन खासकर कैमरे के मामले में तो आईक्यू के Neo 7 5G के कैमरे से काफी ज्यादा बेस्ट रहता है। इसकी एक सबसे बड़ी वजह कि मोटो के H40 में काफी कम अपर्चर वाला कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है जिसका अपर्चर F1.47 अपर्चर देखने को मिल जाता है जो कि 30,000 रुपए से कम के प्राइस में मोटो का H40 पहला ऐसा स्मार्टफोन जिसमें आप लोगों को काफी अपर्चर वाला कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। बाकी का दूसरा कैमरा 13 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ और कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ आईक्यू के Neo 7 5G के बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 64 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है जिसका अपर्चर F1.79 अपर्चर देखने को मिल जाता है। बाकी के दो कैमरे 2+2 मेगापिक्सल के मिल जाते हैं विद LED फ्लैश लाइट के साथ और कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है जो कि दोनों स्मार्टफोन से जब रियल लाइफ फोटोज को क्लिक किया गया तो मोटो के H40 की जो पिक्चर क्वालिटी निकल गया तो काफी ज्यादा बेटर निकल के आती है। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर सेल्फी कैमरे की बात करी जाए तो सेल्फी के मामले में भी क्लियर विनर निकल के आता है मोटो का H40, क्योंकि मोटो के H40 में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है जिसका अपर्चर F2.4 अपर्चर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ आईक्यू के Neo 7 5G में सिर्फ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है जिसका अपर्चर F2.4 अपर्चर देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खासकर कैमरे के लिए लेने के लिए सोच रहे हो तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं कि आप लोग मोटो के H40 को ही बाय करें। दोनों स्मार्टफोन का अगर ऑडियो फीचर की बात करी जाए तो मोटो के H40 में डॉल्बी एटमॉस देखने को मिल जाता है जबकि आईक्यू के Neo 7 5G में डॉल्बी एटमॉस देखने को नहीं मिलता। ऑडियो जैक की अगर बात करी जाए तो दोनों स्मार्टफोन में 3.5mm जैक का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। बैटरी सेगमेंट की अगर बात करी जाए तो बैटरी के मामले में तो आईक्यू का Neo 7 5G काफी ज्यादा बेस्ट आता है क्योंकि आईक्यू का Neo 7 5G 5000mAh की बड़ी बैटरी मिल जाती है। 120W के फ्लैश चार्जिंग के साथ USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ मोटो के H40 में 4400mAh की ही बैटरी देखने को मिल जाती है 68W के टर्बो फास्ट चार्जिंग के साथ USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। बैटरी बैकअप की अगर बात करी जाए तो मोटो के H40 को फुल चार्ज करने के बाद 10 hours का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है जबकि आईक्यू के Neo 7 5G को फुल चार्ज करने के बाद 18 hours का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है। छोटी फीचर की अगर बात करी जाए तो दोनों स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाते हैं।
तो अब बात करिए कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है। अगर आप लोग गेमिंग का काफी ज्यादा शौक रखते हैं, पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर वाला स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो, वो भी बिग बैटरी के साथ, तो आप लोगों को IQOO Neo 7 5G की तरफ जाना चाहिए। पर अगर आप लोग 30,000 रुपए से कम के प्राइस पे एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो, इसमें गेमिंग के लिए अच्छा प्रोसेसर और फोटोग्राफी के लिए एक अच्छा कैमरा सेटअप और बेस्ट क्वालिटी के डिस्प्ले देखने को मिल जाए और चार्जिंग से थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर सकते हो, बैटरी बैकअप से थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर सकते हो, आप लोगों को मोटो के H40 की तरफ जाना चाहिए।